पत्रकार मित्रों, आज पूरे देश भर से यहां पर जिन नेताओं को आप देख रहे हैं, वो नेता कोई परिचय के मोहताज नहीं है। कुल मिला के कहा जाए कि वर्तमान देश के हालात को लेकर आप इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में तो हैं, आप भी चर्चा करते हैं, तो वैसे चर्चा हम भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आज इस लोकतंत्र में कुछ चीजों पर बहुत तेजी से प्रहार दिखाई दे रहा है। आप सब लोग और आज कई व्यवस्था होने के बावजूद आज आम लोगों के अंदर किसान मजदूर पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के अंदर क्या मनस्थिति बन रही है वो आपको पता है। इस देश की जो दुनिया में एक छवि रही है इसका लोहा आज से नहीं सदियों से दुनिया ने माना, वो अनेकता में एकता में भी दरारें पड़ने लगी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसको दुरुस्त करने का, उसको रिपेयर करने का काम तो करेगा ही करेगा। आज अलग अलग विचारधारा के भी लोग यहां हैं, कई चीजों को ध्यान में रखते हुए आज वर्तमान परिस्थिति को यहां आम लोगों के सहूलियत के हिसाब से कैसे स्थापित हो, बाबा भीमराव अंबेडकर जी, यहां के आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक जो सदियों से जिनके साथ शोषण होता रहा है उनको कैसे संरक्षण मिले, इस विषय को लेकर के एक पहली बैठक आदरणीय नीतीश जी ने आज बड़ी मशक्कत के बाद सब लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। मैं इनके लिए इसके लिए इनको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। ये एक कहा जाए कि ये एक पहली झलक है, ये एक जो नई जो एक समूह को आप देख रहे हैं इसमें हो सकता है भविष्य में, जैसे दीपांकर जी ने उमर भाई ने भी कहा, कुछ लोग आपको लगे कि आपके खबर में कौन नहीं आए वो आपकी प्रमुखता होगी, तो मैं समझता हूं हो सकता है कि उससे कहीं आपको ज्यादा आश्चर्य हो कि ऐसे भी लोग यहां पर हैं, ये भी प्रयास होगा। लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, लेकिन आज जो शुरुआत हुई है निश्चित रूप से ये एक देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, मेरा ये मानना है। और एक ईमानदार और एक संकल्पित सोच के साथ आगे बढ़ा जाए तो हर मंजिल पाया जा सकता है, हर लड़ाई जीती जा सकती है। तो आज जो हमारा देश का एक चेहरा था उस चेहरे को फिर से स्थापित करने का और मजबूती प्रदान करने का एक संकल्प लेकर आगे बढ़ने का, एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का ये पहला कदम है। अगले कार्यक्रम के बारे में हमारे सीनियर्स
आदरणीय खड़गे जी ने और भी लोगों ने बातें कही हैं और समय समय पर इन सब चीजों की आपकी आपके साथ हम बातों को शेयर करेंगे। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।